Good evening namaste ram ram and jai everyone a very good evening to everyone good evening good evening good evening a very good evening to everyone so boys you know the drill right ऑल द स्टूडेंट्स रादर नॉट जस्ट बॉयज बॉयज एंड गर्ल्स यू नो द ड्रिल फटाफट से अपने ग्रुप्स में शेयर करके आ जाएँ जो भी बच्चे भी लाइव हैं यहाँ पर जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा इन क्लासेस के पी के लिए आप लोगों को इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है शाबाश बहुत अच्छी बात नहीं ज्वाइन किया फटाफट फड़ से ज्वाइन करके आ जाओ थोड़ा सा कनेक्शन इशू हो रहा है आ, मैं इसीलिए लाइव आ गई मैंने बोला कि बच्चे वेट कर रहे हैं परेशान हो रहे हैं जस्ट गिव मी वन और टू मोर मिनट्स मैं एक बार थोड़ा सा रीस्टार्ट कर लेती हूँ ये कभी कभी हो जाता है जस्ट गिव मी वन और टू मोर मिनट्स बॉइस तब तक कि हाँ एम बैक चलो चलो बच्चों सो so शुरू करते हैं एंड शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कल से हमारा टॉप तक पे जितने भी बच्चों ने बैच परचेस कर लिया है इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं मैं सब मैसेजेस को रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूं बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं फ्राइडे से आपकी क्लास शुरू होने वाली थी जो कि मेरी तबियत खराब थी तो आपको पता ही है फ्राइडे को मेरी सारी क्लासेस कैंसिल थी, थी है ना सो so आप लोगों की क्लासेस शुरू होंगी कल से मंडे से आप लोगों की क्लासेस शुरू होंगी अभी फिलहाल ये डिस्काउंट चल रहा है प्राइसेस बढ़ने वाले हैं ठीक है सो आप फटाफट फोर का बैच है ये प्राइस जाएगा टू थाउजेंड हो जाएगा एंड और बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात यहां पर हंड्रेड आवर्स का कंप्लीट इंग्लिश मैं आप लोगों को करवाऊंगी जिसमें इंग्लिश ग्रामर वो कैबलरी कॉम्प्रिहेंशन पैराजल क्लोज टेस्ट ये सारा कुछ प्रैक्टिस होगा ठीक है सो ये फाइव हंड्रेड का बैच है कंप्लीट अब बच्चे पूछेंगे किस एग्जाम के लिए भाई इंग्लिश पढ़ लो फिर उसके बाद में एग्जाम तुम्हें जो देना है तुम वो दे दो ठीक है इतना मैं आपको बोल सकती हूं सो so ये बैच फटाफट परचेस कर लेंगे टॉप तक ऐप डाउनलोड कर लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एंड क्विकली प्रोसीडिंग टू द टॉपिक द टॉपिक द दो दिन चाहिए आज हम लोग बेसिक्स पे काम करेंगे थोड़े से बेसिक्स पे काम करूंगे और थोड़े से बेसिक्स के साथ साथ लेके आई सीधा सीधा आप लोगों के सीधा प्रसारण आप लोगों की प्रीवियस से ठीक है कौन से प्रीवियस है इसमें देखो आप लोगों का एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोगों का सीडीएस का प्रीवियस ईयरस क्वेश्चन है और हमारे पास एनडीए का प्रीवियस ईयरस क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयरस नहीं है एक ही साल का क्वेश्चन लेके आई हूं ताकि आप इस क्वेश्चन का या इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस समझ पाए बच्चों है ना आई आई एम एम गुड गुड प्रशांत थैंक यू सो मच बेटा यस यस होते हैं yes, जोड़क होते हैं ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं सबसे पहले तो हमें इनका फंक्शन ही समझना होता है है ना तो कंजंक्शन क्या काम करता है हाँ क्यूट सा छोटा सा हमारा टॉपिक है है ना सो so, सबसे पहला कंजंक्शन क्या काम करता है बच्चों कंजंक्शन शब्दों को सिर्फ शब्दों को नहीं शब्दों को वाक्यों को और शब्दों के समूहों को भी जोड़ने का काम करता है मतलब कंजंक्शन विच ज्वाइन दे ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस क्लॉज एंड सेंटेंसेज एंड सेंटेंसेज रादर नॉट सेंटेंसेज क्लॉज में ही वो आ जाएगा ठीक है तो ये जोड़ने का काम करते हैं इनका मीनिंग क्या होता है इनके टाइप्स क्या होते हैं बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास कंजंक्शंस में समझने के लिए इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आते हैं आज के क्लास के बाद आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा आज मैं कंजंक्शंस का थोड़ा सा बेसिक बस बताऊंगी और उसके बाद क्वेश्चन पे पहले काम करूंगी ठीक है थोड़ा सा बेसिक फिर क्वेश्चन पे काम करूंगी बच्चे लास्ट तक क्लास में रहेंगे कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देखो क्योंकि एक बार आपको ये पता चल गया कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहा है फिर आपको ये समझ आ जाएगा कि हमें इस टॉपिक को पढ़ना क्या है कैसे पढ़ना है और मैम जैसे पढ़ा रही है हमें वैसे ही पढ़ना है ठीक है चलो बच्चों तो सबसे पहले तो सबसे पहले हमारा जो कंजंक्शन हम स्टार्ट करते हैं वो क्या है द फर्स्ट कंजंक्शन दैट वी बिगिन विध इज एंड ठीक है ठीक है अच्छा इसके पहले भी आपको पहले एक बात बता दू बच्चों कंजंक्शन तीन तरीके के होते हैं कंजंक्शन तीन तरीके के होते हैं, कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन और conjunctions ठीक है कोऑर्डिनेटिंग दो एक जैसे चीजों को जोड़ते हैं ठीक है दो एक जैसे चीजों को जोड़ते हैं जैसे आपकी विशेषता अगर मैं बताऊं ठीक है जैसे मैं आपकी विशेषता बताऊं कि आप हार्डवर्किंग भी है मेहनती भी है और आप हैंडसम भी है ठीक है तो आपकी दो विशेषताएं हो गई एक जैसी है है ना क्वालिटी बता रही हूं मैं तो इनको हम जोड़ेंगे ठीक है इनको हम जोड़ रहे हैं ऐड कर रहे हैं इसीलिए हम बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेटिंग हम ऐड किए जा रहे हैं ठीक है राम और श्याम राम भी है और श्याम भी है दोनों में से एक नहीं है ठीक है तो ये वाला जो है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ठीक है जो आपको ऑप्शन दे जो आपको ऑप्शन दे ठीक है तो उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन जो ऑप्शन दें उनको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस और सबोर्डिनेटिंग क्या होते हैं उसके लिए आपको क्लॉज थोड़ा सा समझना पड़ेगा तो जब सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैं बताने लगूंगी एक एग्जाम्पल आएगा फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बिना एग्जाम्पल के आप नहीं समझ पाएंगे यहाँ पे सिर्फ ये समझो कोऑर्डिनेटिंग मतलब एक जैसी चीजों को जोड़ रहे हैं ऑल्टरनेटिव मतलब आपको ऑप्शन दे रहे हैं आपको विकल्प दे रहे हैं इतनी बात क्लियर है इतनी बात सारे बच्चों को स्पष्ट है ठीक है चलो अब देखो एंड का मतलब है और है ना बहुत सिंपल है मैम ये तो हमें पता है है ना सो so, राम एंड शाम स्टूडेंट्स एट दिस नाउ जब आप कहते हैं राम एंड श्याम तो आपने दोनों को जोड़ा है है ना सो so, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स यहां पे और वाला मीनिंग आ रहा है ये हिंदी वाला और, और इंग्लिश वाला और अलग है ठीक है ये इंग्लिश वाला और है इसका मतलब है या ठीक है मैंने कहा यू मे टेक दिस बुक और दैट बुक मतलब दोनों नहीं लेके जा सकते हो दोनों में से एक ही किताब आप लेके जा सकते हैं दोनों में से एक ही बुक आप लेके जा सकते हैं ऑप्शन दे दिया आपको चॉइस दे दिया है ना सो so ये क्या हो गया ये ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है थोड़ा थोड़ा पहले बेसिक से समझते जाओ सारे बच्चे थोड़ा थोड़ा सारा बेसिक समझते जाएंगे ठीक है कंजंक्शन में मैं दो पार्ट में करवाऊंगी आज बेसिक और प्रीवियस ईयर ठीक है अगले क्लास में कंजंक्शंस का एडवांस्ड और और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स ठीक है सो प्रीवियस ईयर्स तो रहेगा ही क्योंकि प्रीवियस ईयर्स ही हमें अंदाजा देंगे हमें एक आइडिया देंगे कि हम सही पढ़ रहे हैं हमारे एग्जामिनेशन में आने वाली बात पढ़ रहे हैं या नहीं ठीक है बच्चों और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं अब ये कंजंक्शन देखो ये एंड बहुत सिंपल है ये समझ आ गया है है ना अब देखो दूसरा वाला जो कंजंक्शन है वो है बट अब बट के क्या क्या मीनिंग है बट का मीनिंग लेकिन भी है बल्कि भी है और सिवाय भी है ठीक है सिवाय वाला कौन सा सिवाय ये एक्सेप्ट वाला है ना सो so, एक्सेप्ट ये वाला एक्सेप्ट सिवाय ठीक है सो so, बट के मीनिंग क्या है एक तो है लेकिन बल्कि और सिवाय ठीक है हमें ये लेकिन वाला मीनिंग सबसे ज्यादा पता है बट का लेकिन वाला मीनिंग सबसे ज्यादा पता है सिवाय वाले मीनिंग में हम गड़बड़ कर देते हैं सिवाय वाले मीनिंग में हम गड़बड़ कर देते हैं आओ बच्चों देखो समझते हैं हम ठीक है लेकिन पर परंतु ठीक है ये मीनिंग अलग है बट का लेकिन पर परंतु ये कैसे शब्दों को जोड़ता है कैसी चीजों को जोड़ता है ये ठीक है अब देखो हमने यहां पे कहा कि राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं अब अच्छे दोस्त हैं तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए मतलब जब कुछ विपरीत होगा जब कुछ उल्टा होता है है ना जब कुछ कंट्रास्टिंग होता है तब जैसे हम बोलते हैं ना ब्लैक और वाइट कंट्रास्टिंग कलर्स हैं है ना बिल्कुल अलग-अलग दिखते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से कुछ अलग-अलग परिणाम आता है तब हम लेकिन पर पर और परंतु वाले मीनिंग में इसे यूज करते हैं देखो हमने कहा कि राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं लेकिन वो लड़ते बहुत हैं ठीक है लेकिन वो लड़ते बहुत हैं सो so, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स बट यहां पे लेकिन पर और परंतु वाले मीनिंग में यूज हुआ है ठीक है दूसरा वाला सेंटेंस देखो बच्चों दूसरा वाला सेंटेंस क्या है ही इज वेरी इंटेलिजेंट वो बहुत बुद्धिमान है ही इज वेरी इंटेलिजेंट लेकिन वो गरीब है ठीक है अब इंटेलिजेंट है लेकिन पर परंतु मतलब कोई लेकिन हम बोलते हैं ना कलंक लगा देना लेकिन लगा देना कोई कमी बता देना है ना सो जब कुछ हो रहा है लेकिन उसमें एक अड़ंगा लगा दिया कुछ कमी बता दिया तो हम इस मीनिंग में इसको यूज़ करते हैं, ठीक ठीक है? है, है? ये बात समझ आ गई है? बहुत ध्यान से समझते चलेंगे सारे बच्चे। contradictory, बिल्कुल कॉन्ट्रेडिक्ट हो रहा है ऐसी बातों को हम बताने के लिए यूज करेंगे ये गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन बच्चों ध्यान से सुनते चलो आगे कम से कम आई गेस ट्वेंटी फाइव थर्टी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस इज हैं ठीक है ठीके? चलो अच्छा अब लेकिन को हमने कौन से वाले मीनिंग में देखा सिवाय या अलावा वाले मीनिंग में ये दूसरा वाला जो मीनिंग था है ना जो दूसरा वाला बल्कि और सिवाय वाला मीनिंग था उसमें देखते हैं ठीक है आई कैन गो एनीवेयर आई कैन गो एनीवेयर मैं तुम्हारे घर के अलावा कहीं भी जा सकती हूं मतलब क्या तुम्हारे घर नहीं आऊंगी तुम्हारे घर के अलावा कहीं पर भी जा सकता हूं जा सकती हूं ठीक है सो आई कैन गो एनीवेयर सिवाय मतलब ये एक्सेप्शन आ गया हम इसको अलग से रोक के रखते हैं ना कि मैं सब काम कर सकता हूं लेकिन ये काम नहीं कर सकता हूं है ना तो इसको रोक के रख दिया बट योर होम यहां पे सिवाय देखो यहां पे क्या मीनिंग आ गया सिवाय मतलब ये एक एक्सेप्शन हो गया अब ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो रहा है हम यहाँ पे एक चीज एक्सेप्शन जैसे ग्रामर के रूल्स में एक्सेप्शन होता है ना तो वैसे हम एक्सेप्शन लगा रहे हैं ये बात समझ आ रही है ये बात समझ आ रही है अनिल सुनिल बेटा इंग्लिश स्पोकन की क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है इसी टाइम पे इसी टाइम पे मंडे टू फ्राइडे स्पोकन की क्लास होती है ठीक है सैटरडे और संडे आप लोगों का स्पेशल क्लास होता है कोई तो ग्रामर टॉपिक पे या कोई स्पेशल मैराथन में लेती हूं ठीक है बच्चों चलो ये समझ आ गया अब देखो मैंने क्या बोला आई कैन डू एनीथिंग बट बीट यू ठीक है आई कैन डू एनीथिंग मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं सिवाय तुम्हें पीटने के मतलब तुम्हें पीट नहीं सकता तुम पर हाथ नहीं उठा सकता है ना मे भी हो सकता है ये किसी का बहुत ज्यादा ज्यादा प्यारा हो किसी का बहुत दुलारा हो है ना तो उसको वो कह रहा है कि आई कैन डू एनीथिंग मैं कुछ भी कर सकता हूं दुनिया में सिवाय तुम्हें पीटने के मतलब तुम्हें पीट नहीं सकता किसी भी कंडीशन में ये बात आई समझ ये बात आई समझ एक्सपेक्ट हाँ, भी होता है मेजर अभिषेक खिलानिया मैं आपको बता रही हूं एक्सपेक्ट अलग है एक्सपेक्ट अलग है बच्चों मैं आप लोगों को ये तीनों वर्ड्स बताऊंगी पहले ये बात समझो ये मीनिंग समझो ठीक है चलो आई कैन गो एनी वेयर बट योर होम तुम्हारा घर तुम्हारे घर के अलावा मैं कहीं पर भी जा सकता हूं आई कैन डू एनीथिंग ठीक है तुम्हें पीटने के अलावा मैं कुछ भी कर सकता हूं तुम पर हाथ उठाने के अलावा मैं कुछ भी कर सकता हूं ये क्लियर हो गया ये क्लियर हो गया एवरी ठीक है देखो ये मीनिंग अलग है और ये वाला मीनिंग अलग है ठीक है यहाँ पे हम दो वाक्य बता रहे हैं जो एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी हैं एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी हैं ठीक है ओके भाई ठीक है ये भी हमने देख लिया मैम आगे भी कुछ बता दो अब यहां पर कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग है uh, क्योंकि या चूंकि जिसको हम कहते हैं ना क्योंकि या चूंकि जब हम कारण बताते हैं जब हम कारण बताते हैं अब आप बोलेंगे मैम हमने तो फॉर और सिंस के साथ में टाइम पढ़ा था आप बोलेंगे कि मैम हमने तो फॉर और सिंस के साथ में टाइम पढ़ा था बस यही तो आपको थोड़ा सा और अपना नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है बेटा ये दो शब्द जो है फॉर और सिंस आप बोलेंगे मैम ये तो हमें प्रेपोजिशन में पढ़ाया जाता है तो बेटा फॉर और सिंस दोनों काम कर सकते हैं प्रेपोजिशन का भी और कंजंक्शन का भी फॉर और सिंस दोनों काम कर सकते हैं प्रेपोजिशन का भी और कंजंक्शन का भी जब इन दोनों का मीनिंग और जब इन दोनों का मीनिंग जब इन दोनों का मीनिंग से निकलेगा तब वो क्या होता है प्रेपोजिशन तब वो क्या होता है प्रेपोजिशन एक बार में हट जाती हूं है ना जब इन दोनों का मीनिंग से निकलेगा ठीक है लेकिन जब इन दोनों का मीनिंग क्योंकि निकलेगा नोट करते जाएंगे बच्चे जब इन दोनों का मीनिंग क्योंकि निकलता है तो ये क्या होता है ये कंजंक्शन होता है ठीक है क्या होता है ये कंजंक्शन होता है फॉर और सिंस प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों का काम कर सकते हैं ठीक है वेरी गुड आर के इंग्लिश ने देखो इसको यूज करके सेंटेंस भी बना दिया आई कैन लीव एनीथिंग बट योर क्लास मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ सिवाय आपके क्लास के मतलब आपका क्लास नहीं लीव कर सकता हूँ वेरी गुड बहुत अच्छे बढ़िया सेंटेंस ये क्लियर हो गया बच्चों इज दिस क्लियर ठीक है फॉर और सिंस जब हम समय के साथ बताते हैं है ना जब हम टाइम के साथ बताते हैं यहाँ पे टाइम आ जाता है, है ना से लेकिन जब इसका मीनिंग वाक्य में क्योंकि होता है जब इसका वाक्य जब इसका वाक्य में मीनिंग क्योंकि होता है तब ये कंजंक्शन होता है ठीक है अब इसके जैसे और भी वर्ड्स हैं, एज बिकॉज है ना सो फॉर एज बिकॉज सिंस इनका मतलब क्या निकला बच्चों क्योंकि या चूंकि इसके बाद हम क्या बताते हैं इसके बाद हम क्या बताते हैं कारण बताते हैं हम इसकी बात क्या बताते हैं कारण बताते हैं ठीक है ठीके? देखो सिंस फॉर एज आई वॉज अनवेल ठीक है एज या फॉर आई वॉज अनवेल अनवेल का मतलब बीमार क्योंकि या चूंकि मैं बीमार था हेंस आई डिडेंट कम इसीलिए मैं नहीं आया ठीक है हेंस देर फोर सो उसका मीनिंग होता है इसलिए आप परिणाम बताते हैं आप क्या बताते हैं परिणाम आई वर्क हार्ड सो आई सक्सीडेड मैंने मेहनत किया इसीलिए मैं कामयाब हुआ ठीक है क्योंकि मैंने मेहनत किया एज आई वर्क हार्ड जब आपको क्योंकि बताना है तब आप एज यूज करेंगे जब आपको इसलिए बताना है तब आप सो so यूज करेंगे ये सो so एज ये छोटे छोटे वर्ड्स है ना ये भी बड़े कंफ्यूज करते हैं ठीक है क्योंकि यहां पर हम कारण भी बताते हैं यहां पर हम कंपेरिजन के लिए भी यूज करते हैं आगे आने वाले वाक्य में मैं आपको बताऊंगी कि हम इनका कंपेरिजन में कैसे यूज करते हैं इतनी बात क्लियर है देखो बच्चों और एक सेंटेंस आ गया आई डिट गो टू ऑफिस अब ये वाला सेंटेंस आ जाएगा ना तो यहां पे आप एरर मार्क कर दोगे आई डिडेंट गो टू ऑफिस फॉर आई अनवेल यहां पे आप लोग एरर मार्क कर दोगे आप बोलोगे कि फॉर यहां पे तो नहीं आएगा है ना फॉर कंजंक्शन नहीं आएगा ठीक है लेकिन ये वाक्य बिल्कुल सही है यहां पे फॉर का मतलब क्या निकला क्योंकि यहां पे फॉर का मीनिंग क्या निकला बच्चों क्योंकि आई डिडेंट गो टू ऑफिस मैं ऑफिस नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था मैं ऑफिस नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था आई लर्न फ्रॉम यू फॉर यू टीच वेल वेरी गुड सौरभ जांगे बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया है सौरव ने बच्चों अब ये वाला वाक्य अगर आपके सामने आएगा तो आप गलती नहीं करेंगे क्योंकि मेरे बच्चों को पता चल गया है भाई फॉर का मतलब क्योंकि भी होता है इज दैट क्लियर एवरी वन ये बात सबको समझ आ गई है मैं साइड हट रही हूं इसका आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या फिर आप लोगों को इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर यह पीडीएफ भी मिल जाएगा बच्चों इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा इज दैट क्लियर एवरी वन ठीक है बेटा यस uh, टॉप yes, uh, तक पर भी मेरी स्पेशल क्लासेस आएंगी बहुत सारी क्लासेस आएंगी हम बहुत सारा पढ़ाई करने वाले हैं देखो जो भी बच्चा एक बार पहली बार जब वो तैयारी करना शुरू कर रहा होता है नया बच्चा होता है या फिर एग्जाम आ गया है नोटिफिकेशन आ गया है आप शुरू से लेके अंत तक एक बार पूरा सिलेबस स्कैन करना चाहते हैं तो आपको कायदे से बैच ज्वाइन करना चाहिए ठीक है कायदे से बैच ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि देखो ये भी फैक्ट है कि बैच वही बच्चे ज्वाइन करते हैं जो सीरियस होते हैं है ना बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं अब यहाँ पे क्या होता है फ्री वाले क्लासेस में ठीक है हम तो बहुत सारे फ्री क्लासेस देते हैं बच्चों आप लोगों को ठीक है लेकिन फ्री क्लासेस में क्या होता है सीरियस बच्चे भी आते हैं नॉन सीरियस बच्चे भी आते हैं है ना तो मतलब ये थोड़ा सा बैच में आप लोगों का माहौल बन जाता है पढ़ने वाला ठीक है बिल्कुल पढ़ने वाला यहाँ पर भी हम पूरी कोशिश करते हैं ठीक है थीके? जो मस्ती करते हैं उनको हम ब्लॉक कर देते हैं वो हम पूरी कोशिश करते हैं लेकिन जो भी बच्चा नई तैयारी कर रहा है या एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया एक बार पूरा सिलेबस आप लोगों को स्कैन करना होता है रिवाइज करना होता है तो आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं अभी फिलहाल सिक्सटी लगभग आप लोगों का वो चल रहा है डिस्काउंट चल रहा है तो आप टॉप तक ऐप डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा ऐप डाउनलोड कर लो रजिस्टर कर लो ठीक है क्योंकि आ, जो आ, ऑफर है ये कभी भी खत्म हो सकता है अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग टॉप तक पर भी बहुत सारे के आएंगे यहां पर आप लोगों के चलते रहेंगे। और जैसे ही प्रैक्टिस बैच, बैच वो भी यूट्यूब पर फ्री यानी कि हंड्रेड क्वेश्चन एक बार में हम एक क्लास में हंड्रेड क्वेश्चन किया करेंगे तो पढ़ाई बहुत सारा करेंगे बस आप लोगों को साथ निभाना है आप लोगों को साथ रहना है और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है सिलेक्शन तक मैं साथ रहूंगी ये वादा है ठीक है बच्चों चलो अब ये मीनिंग देखो फॉर एज बिकॉज सिंस इनका मीनिंग क्या है चूंकि या क्योंकि ठीक है फॉर एज बिकॉज सिंस इनका मीनिंग क्या है क्योंकि या यहां पे for or since थोड़ा सा आपको confuse कर सकते हैं तो मैंने आपको बता दिया है for or since क्या है ठीक है आप बोल सकते हैं मैम आप कंजंक्शन पढ़ा रहे हो फॉर सिंस क्यों पढ़ा रहे हो क्योंकि बेटा फॉर सिंस कंजंक्शन का भी काम करते हैं और प्रेपोजिशन का भी काम करते हैं ठीक है ठीके? अब उसके बाद अगर ये वाला वाक्य आपके सामने आया आई डिट गो टू ऑफिस फॉर I was unwell. अब यहां पे आप कभी अपनी लाइफ में एरर मार्क नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे आप समझ चुके हैं कि फॉर का मीनिंग क्योंकि बच्चों आगे बढ़े यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया हो तो बताओ आगे बढ़े फटाफट से एक बार दे दो यहां तक अगर बिल्कुल क्लियर हो गया है तो फटाफट से एक बार थम्सअप दे दो फिर आगे बढ़ते हैं ओके शाबाश बहुत अच्छे चलो अब देखो अब नेक्स्ट आपके पास सामने आ गया है वर्ड्स आल्सो इवन मतलब as well as, मतलब है भी, इन सभी शब्दों का मतलब क्या है बच्चों भी ठीक है इन सभी शब्दों का क्या मतलब है भी ठीक है तुम भी मैं भी अरे तुम भी यहां कैसे है ना सो so, भी वाला जो मीनिंग है ठीक है मतलब किसी चीज के एडिशन में है किसी चीज के एडिशन में है ठीक है सो ऑल्सो लेकिन बच्चों इसके साथ में हमें कुछ चीजों का और ध्यान देना है ठीक है है कोई इसमें से ऐसा शब्द है जो सिर्फ वाक्य शुरुआत में आ सकता है इसमें से एक ऐसा शब्द है जो वाक्य के अंत में कभी नहीं आ सकता ठीक है तो वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये सारे शब्दों का क्या मीनिंग है ऑल्सो इवन आई टू एज वेल well. ध्यान रखना ये एज वेल एज नहीं है कितने बच्चों ने गौर किया है ये सिर्फ एज वेल well है ये एज वेल एज नहीं है ठीक है एज वेल एज भी अभी इसके साथ साथ ही बताऊंगी मैं सिर्फ एज वेल well मतलब भी सिर्फ एज वेल well मतलब भी एज वेल एज मतलब के साथ साथ ठीक है अच्छा चलो अब यहाँ पर ऑल्सो वाला जो शब्द है ठीक है पहले sentences देखें एक बार सेंटेंसेस देखें लाइफ से हमें देखो कैसे सीखना होता है जैसा हमारे सामने आता है उसी से हमें सीख लेना होता है, है ना तो चलो ये भी वाले जो शब्द हैं इनको वाक्यों से हम सीखते हैं हमारे सामने कुछ वाक्य है आई एम गुड टू मैं भी अच्छा हूँ कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हो तो आप कहते है, मैं अच्छा हूं अगर आपने उसको पूछा कि आप कैसे हो तो वो बोलेगा मैं भी अच्छा हूं वो बोलेगा आई एम गुड टू ठीक है आई एम गुड टू ओके चलो हाँ मी टू वो वाला बड़ा फेमस है तुम लोगों का एक्सप्लेनेशन आई लव यू टू बोले मैम कि क्या बोले है ना तो चलो आ जाओ समझते हैं इसको ठीक है सो आई एम गुड टू भी वाला मीनिंग यहां पे है ठीक है अच्छा अब यहां पे देखो आई एम गुड ऑल्सो नहीं बोला है आई एम गुड ऑल्सो नहीं बोला है आई एम ऑल्सो गुड मैं भी अच्छा हूं मैं भी अच्छा हूं ठीक है इसका मतलब क्या कि ऑल्सो वाक्य के अंत में नहीं लिखना है इसका मतलब क्या समझे कि ऑल्सो वाक्य के अंत में नहीं लिखना है अच्छा ठीक है भाई ये तो हम समझ गए अब I am good as well. जब आपको भी कहना है तो लास्ट में as well as नहीं लिखना है आपको क्या लिखना है सिर्फ इतना as well, as well well. ठीक है? आपको कितना लिखना है As well सिर्फ इतना ही ठीक है I am good as well. अच्छा अब आगे वर्ड even. अब आगे वर्ड even. अब मैंने I am good even नहीं बोला I am even good नहीं बोला ठीक है मैंने इसको स्टार्टिंग में लिखा है मैंने लिखा इवन आई एम गुड मैंने इसको स्टार्टिंग में लिखा मैंने कहा मीनिंग सबका एक ही है मैं भी अच्छा हूँ ठीक है मैं भी अच्छा, हूं. अच्छा तुमको याद दिलाना पड़ता है बीच बीच में यहाँ तक की क्लास अच्छी लग रही है अच्छी लग रही है तो मेरे भाई जबरदस्ती नहीं है ठीक है अच्छी लग रही है हेल्पफुल लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें ठीक है ये बस आपका एक तरीका होता है टीचर्स को थैंक यू बोलने का ये बस आपका लाइक करना अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना अपना एक्सपीरियंस क्लास के बाद में शेयर करना ये बस आपका एक तरीका होता है थैंक यू बोलने का और टीचर की हिम्मत बढ़ाने का ठीक है चलो सो इवन आई एम गुड मैं भी अच्छा हूं हमने क्या बोला इवन आई लव बग्गू एंड लूसी एज वेल यस प्रशांत पांडे बिल्कुल सही बहुत बढ़िया ठीक है बिल्कुल सही सेंटेंस बनाया है बच्चा ठीक है, मतलब यहां से हमने क्या सीखा यहां से हमने क्या सीखा बच्चों टू जो है ये वाक्य के अंत में आप लिख सकते, हैं. Also को वाक्य के में नहीं लिख सकते हैं जब भी वाला मीनिंग है तब आपको सिर्फ एज वेल well लिखना है और वाक्य के अंत में लिखना है ठीक है और इवन आप सिर्फ वाक्य के शुरुआत में यूज कर सकते हैं इवन आप सिर्फ वाक्य के शुरुआत में यूज कर सकते हैं इतना क्लियर है बच्चों आप बोलेंगे कि मैम एक रह गया आइदर आप बोलेंगे मैम एक रह गया आइदर आप बिल्कुल सही है ठीक है बिल्कुल तेज़ बच्चे हैं आइदर रह गया है क्यों रह गया है क्योंकि आइदर सिर्फ यूज हो सकता है नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ़ बच्चों यूज हो सकता है नेगेटिव सेंटेंसेस में ठीक है इवन आई एम गुड यस योर आशु बिल्कुल सही ठीक है अब यहां पे तो कोई नेगेटिव सेंटेंस था नहीं तो इसीलिए मैंने यहां पर आइदर नहीं यूज किया चलो ठीक है आइदर भी यूज कर लेते हैं ठीक है अच्छा देखो इवन आई एम नॉट गुड मैं ठीक नहीं हूं कोई भी ठीक नहीं है कोरोना टाइम में सब परेशान है है ना मैं भी ठीक नहीं हूं तुम भी ठीक नहीं हो है ना कोई ठीक नहीं है कोरोना टाइम में अगर ऐसा बोलना पड़ा कभी तो देखो इवन हमने सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज कर लिया इवन आई एम नॉट गुड ठीक है आई एम नॉट गुड आई दई एम नॉट गुड आई द कहा यूज किया इसको सेंटेंस के एंड में ठीक है आप बोलेंगे मैम आइदर के साथ में तो और आता है बिल्कुल सही बोला बेटा के साथ में और आता है जब आप किसी को ऑप्शन दे रहे हो और जब आपका मीनिंग या होता है ठीक है जब आपका मीनिंग या वाला होता है जब आप किसी को ऑप्शन दे रहे हो यहां पे तो या वाला मीनिंग है ही नहीं यहां पे कौन सा मीनिंग था यहां पे तो मीनिंग था भी वाला यहां पे कौन सा मीनिंग था भी वाला आ रही बात समझ ठीक है चलो so i am not good either i don't like fruits either ये बोल रहा है कि मुझे भी फ्रूट्स पसंद नहीं है इसका मतलब सामने वाला या वाली को भी पसंद नहीं है ठीक है i don't like fruits either ठीक है अच्छा यहाँ पे देखो इसने बोला इवन i don't like fruits इवन बोला तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको यूज करना है इसको ठीक है अब इसका मतलब क्या एक चीज आपने क्या समझा इवन नेगेटिव सेंटेंस में भी आया और पॉजिटिव सेंटेंस में भी आया इसके पहले हम लोग ने पॉजिटिव सेंटेंस में देखा था ना अब ये नेगेटिव सेंटेंस में भी आ गया ठीक है बच्चों लकी यदुवंशी मैम आपकी वॉइस बहुत ही स्वीट है मैम ओके थैंक यू सो मच लकी चलो बच्चों आ जाओ यहां पे देख लो ये क्लियर हो गया आगे बढ़े ठीक है चलो आ गया आपका ये एज इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला एज और सो एज और सो दैट ठीक है हम हम लोग इसको आज इसीलिए बच्चों थोड़ा सा बेसिक में आपको कंजंक्शन उनका मीनिंग ठीक है और प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन करेंगे ठीक है प्रीवियस क्वेश्चन भी हम करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई कैसे में आ रहे हैं okay? दो पार्ट में, okay? तो में कहा है so तो कि मैम ने दो क्लास बोला तो दो ही क्लास लेना है अगर जरूरत पड़ी तो तीसरी भी क्लास ले लेंगे अगर कवर नहीं होगा कंप्लीट नहीं होगा तो ठीक है चलो बच्चो आ जाओ यहाँ पे अब देखो यहाँ पे एज एडजेक्टिव और ये एडजेक्टिव कौन से डिग्री में आएगा याद रखना हमेशा पॉजिटिव डिग्री में आएगा ठीक है पॉजिटिव डिग्री में जैसे आप बोलते हो ना गुड बेटर बेस्ट बैड वर्स वर्स्ट ठीक है स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट बोलते हो ना तो ये जो पहला वाला कॉलम आपने बोला गुड बैड स्मार्ट ठीक है वो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आएगा इन दोनों के बीच में इसका मीनिंग क्या निकला उतना एज पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव एज इसका मीनिंग क्या निकलता है उतना जितना ठीक है, जैसे मैंने बोला यू आर नॉट एज क्लेवर एज आई तुम उतने नहीं हो जितने की मैं हूं चालाक नहीं हो जितने की मैं हूं यू आर नॉट एज क्लेवर एज आई ठीक है अच्छा कैन यू सिंग एज गुड एज आई कैन क्या तुम उतना अच्छा गा सकते हो जितना मैं गा सकती हूं आ गया मीनिंग उतना जितना वाला ठीक है बच्चों? ओके, okay. ठीक है बच्चों, बेटा स्पैम नहीं करो कन्हैया ओझा, प्लीज मैसेज स्पैम नहीं करो ठीक है प्लीज स्पैम नहीं करो नहीं तो कोई ना कोई मेरा मतलब यूट्यूब मॉडरेटर होगा या यूट्यूब मैनेजर होगा कोई ना कोई आप ब्लॉक हो जाओगे बेटा और फिर अनब्लॉक कैसे करते हैं वो मुझे आता नहीं है ठीक है फिर आप मैसेज करते रह जाओगे कि मैम अनब्लॉक कर दो और वो तो मुझे आता नहीं है ठीक है तो प्लीज स्पैम नहीं करो कन्हैया मान जा ओझा मान जा बच्चों अच्छा देखो कैन यू सिंग एज गुड एज आई कैन क्या तुम उतना अच्छा गा सकते हो जितना मैं ठीक है देखो आ गया उतना जितना वाला मीनिंग इसमें आ गया ठीक है ओके चलो ठीक है मैम ये भी समझ आ गया ठीक है अच्छा बच्चों जब मैं एज क्लेवर एज मैंने कहा ठीक है मैंने एज गुड कहा ठीक है लेकिन ये एज फार एज एज लॉन्ग एज ऐसे शब्दों से इनका मीनिंग अलग है ठीक है, जैसे इसी तरह के कुछ और शब्द हैं ठीक है कुछ फ्रेजेस हैं ध्यान से सुने सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुने ठीक है एज वेल एज जब आप किसी को एज वेल एज कहते हो ठीक है जब आप एज फार एज कहते हो जब आपने एज लॉन्ग एज कहा और ये क्वेश्चन आपके एनडीए में सीडीएस में और एसएससी में भी आया हुआ है ठीक है एज वेल एज as far as as long as ठीक है और as soon as ये फ्रेज की तरह हम यूज करते हैं as soon as का मिल के मीनिंग निकलता है जैसे ही as soon as i tell you you will note it जैसे ही मैं आपको बताऊंगी आप उसे लिख लेंगे ठीक है as soon as मतलब जैसे ही ये एक फ्रेज की तरह हम यूज करते हैं as soon as का मतलब निकला जैसे ही इसको इस वाले रूल से कंफ्यूज नहीं करना ठीक है इसीलिए साथ में ही आपको इसका मीनिंग बता दे रही हूं as soon as, मतलब, जैसे ही एज लॉन्ग एज मतलब जब तक. As long as you follow my orders, जब तक, तक तो तुम मेरी बात मानोगे, मेरे निर्देश मानोगे आप आपको कोई हरा नहीं सकता नो वन कैन डिफीट यू ठीक है एज फार एज मतलब जितना दूर नहीं फार का मीनिंग दूर होता है ठीक है जितना दूर नहीं है मीनिंग एज फार एज का मतलब जहां तक मुझे पता है एज फार एज आई नो जहां तक मुझे पता है ठीक है और एज वेल एज का तो मतलब के साथ साथ होता है एज वेल एज का मतलब के साथ साथ होता है ये हमें समझ आ गया बच्चों एवरी वन ये समझ आ गया ठीक है तो एक तो ये वाला एडजेक्टिव हो गया बच्चों एज पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव एज ठीक है ओके पॉजिटिव डिग्री ही आएगा इसका मीनिंग ये हम क्यों यूज करते हैं बच्चों ये तुलना के लिए यूज कर रहे हैं ये हमने क्यों यूज किया है तुलना के लिए ये जो शब्द मैंने आपको अभी अभी बताए यहां पर कोई तुलना नहीं हो रही है यहां पर कोई तुलना नहीं हो रही है इज दैट क्लियर ये क्लियर हो गया यहां पर क्लियर हो गया तो फटाफट से मुझे थम्सअप दे दो एक बार थम्सअप दे दो फिर आगे बढ़े जल्दी जल्दी यहां तक क्लियर हो गया है मुझे एक बार थम्स अप दे, दे सारे बच्चे ठीक है जब आप एज पॉजिटिव डिग्री ऑब्जेक्टिव एज यूज करते हो बेटा आपने तुलना की है आप कंपैरिजन कर रहे हैं लेकिन ये जो फ्रेजेस हैं एज वेल एज एज फार एज एज लॉन्ग एज एज सुन एज इनका कुछ मीनिंग है और इनको हम तुलना के लिए यूज नहीं करते हैं इज दैट क्लियर एवरी वन इज दैट क्लियर ओके ठीक है चलो ठीक है अब देखो जब सिर्फ एज आया आप बोलेंगे मैम पहले आपने बताया एज मतलब क्योंकि फिर आप बता रहे हैं तुलना अब आप बता रहे हैं एज का मतलब जैसा तो यस ये सारे मीनिंग्स है इसीलिए तो जब क्वेश्चन आता है तब तुम कंफ्यूज हो जाते हो तो हम सभी मीनिंग्स को एक साथ में क्लियर कर लेंगे ना सबको एक साथ में क्लियर कर लेंगे देखते हैं कैसे कंफ्यूजन होता है आपको तितर बितर यहां वहां चीजें बताई जाती हैं तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हो सभी चीजों को हमने यहां पे एक साथ में रख दिया है ठीक है ऑर्गेनाइज वे में बिल्कुल सभी चीजों को साथ में रख दिया है देखो कैसे कनेक्ट नहीं होगा ठीक है अब इसी इसी ऑर्डर ऑर्डर में में आप लोगों के पास पास पीडीएफ पीडीएफ भी मिल जाएगा इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर आपके होगा इस क्लास को एक बार दोबारा से 1.5 या 2x स्पीड पर देख लेना चीजें बिल्कुल एकदम दिमाग में फिट हो जाएंगी बिल्कुल गलती नहीं होगी एग्जामिनेशन में ठीक है बेटा जब आपके एग्जाम में सिर्फ एज आया तो इसका मीनिंग क्या हो गया जैसा या के तौर पर या के नाते ठीक है सिर्फ एज आया ठीक है तो इसका मीनिंग इसका मीनिंग कारण आगे नहीं बता रहा होगा तो जैसा वाला मीनिंग आएगा देखो सेंटेंस एज अ टीचर मतलब एक टीचर के नाते एज अ टीचर इट इज माई ड्यूटी ये मेरा कर्तव्य बनता है अब एज अ टीचर क्योंकि टीचर कोई कनेक्शन बना नहीं ना यहां पे क्योंकि वाला मीनिंग नहीं आ रहा है ना कौन सा मीनिंग आया देखो एक टीचर के नाते एक टीचर के जैसे एक टीचर के तौर पर मेरा कर्तव्य है इट इज माई ड्यूटी दैट आई गाइड माई स्टूडेंट्स टू सक्सेस कामयाबी तक लेके जाना मेरा कर्तव्य है क्यों क्योंकि मैं आपकी टीचर हूं इज दैट क्लियर एवरी वन ओके हम कहते हैं ना एज यू से जैसा तुम कहो मैडम ठीक है एज यू से जैसा आप कहें ठीक है चलो एज यू विश जैसा आप चाहें कहते हो ना यस सो एज यू विश जैसा आप चाहें ठीक है ओके आई डिड मैंने वैसा ही किया एज यू सेड जैसा आपने कहा एज ए स्टूडेंट इट इज आर ड्यूटी दैट वी क्लियर एग्जाम्यूटली वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छे सौरव बहुत बढ़िया तुरंत आप इसको सेंटेंस में यूज करो देखो कैसे यूज नहीं होता है ठीक है कैसे आपको मीनिंग क्लियर नहीं होता है राइट right? क्लियर ए ओझा नहीं मानेगा पहले कुछ और बोल के स्पैम कर रहा है बेटा अभी ब्लॉक हो जाओगे तुम और फिर मैं अनब्लॉक नहीं करने आता मुझे सीरियसली नहीं करने आता ठीक है फिर नुकसान हो जाएगा भारी नुकसान हो जाएगा बोल ही नहीं पाओगे फिर है ना फिर घुट घुट के रहना पड़ेगा बोलना भी चाहोगे तो भी बोल नहीं पाओगे राइट right? चलो आ जाओ so, I did as you said. जैसा आपने कहा, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा वैसा ही मैंने किया इज दैट क्लियर एवरी वन यहां पर मीनिंग एज वाला क्लियर हो गया आई डिड एज यू सेड जैसा आपने कहा वैसा ही मैंने किया ठीक है ओके भाई तो मतलब एज पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव एज आया तो मैम वो हम तुलना के लिए यूज करते हैं अगर कारण बता रहे हैं तब एज यूज करते हैं क्योंकि वाले मीनिंग में तब हम एज यूज करते हैं क्योंकि वाले मीनिंग में ठीक है और जब जैसा के तौर पर या के नाते वाला मीनिंग आया तब भी एज हम लिख सकते हैं तब भी एज हम लिख सकते हैं एज यू नो Yes, जैसा कि आप जानते हैं एज यू नो जैसा कि आप जानते हैं क्लियर एवरी वन ओके ठीक है चलो बहुत बढ़िया अब देखो एज वेल एज ये सेंटेंस आ गया ये वर्ड आ गया एज वेल एज अभी थोड़ी देर थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था एज वेल एज का मतलब क्या है बच्चों साथ ही साथ ठीक है साथ ही साथ जैसे मैंने क्या कहा राम इज एजुकेटेड राम शिक्षित है और हैंडसम भी है राम शिक्षित भी है और हैंसम भी है सो राम इज एजुकेटेड एज वेल एज हैंडसम अब यहां पे मैंने पूरा एज वेल एज यूज किया है ठीक है अच्छा दूसरा वाला सेंटेंस बच्चों आप लोगों के सामने है मुझे बताना क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है बच्चों मुझे बताएंगे क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है यह है पार्ट ए यह है पार्ट बी यह पार्ट सी और यह पार्ट डी क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है आंसर बताओ चलो फटाफट आंसर बताओ आपके पास एक सेंटेंस है राम इज एजुकेटेड एज वेल एज हैंडसम इसके बाद एक सेंटेंस है बच्चों आप लोगों के सामने बताना क्या इसमें कोई एरर है चलो बता दो यहां पे क्या कोई एरर है आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एज वेल एज पबजी हनीफा स्टूडियो एब्सोल्यूटली वेरी गुड यस yes, बताओ बच्चों क्या इसमें कोई एरर है यू आर सिंपल एज वेल एज इंटेलिजेंट अनिशा शर्मा थैंक यू सो मच बिल्कुल सही है सेंटेंस चलो बच्चों बताओ एरर है सी में एरर है नो एरर सी मुझे बीच बीच में कुछ कुछ आंसर इसी दिख रहे हैं नो no एरर है शाबाश बहुत अच्छे हालांकि ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट है लेकिन क्योंकि एज वेल well एज आया है तो मैं साथ साथ आपको बता दूं जब भी बच्चों आपके सेंटेंस में एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं दो कर्ता अगर आप जोड़ेंगे एक है आई और दूसरा है माई फ्रेंड्स याद रखना वाक्य का वर्ब वाक्य की क्रिया पहले कर्ता फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम here. मैं और मेरे दोस्त यहां आ चुके हैं I as well as my friends am here. और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट क्या था I अब फर्स्ट सब्जेक्ट I था I के अकॉर्डिंग आपने am यूज किया है तो भाई इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी शाबाशी क्लियर हो गया ये बहुत ही फेमस और फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का कोई भी एग्जाम ले लो आप ठीक है चलो ठीक है ही एज वेल एज his थ्री ब्रदर्स इज गोइंग वो उसके साथ साथ उसके तीन भाई जा रहा है या जा रहे हैं आंसर बताओ वो अपने तीन भाइयों के साथ वो अपने तीन भाइयों के साथ जा रहे हैं या जा रहा है क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है नहीं इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है क्योंकि एज वेल एज से हमने जोड़ा दो सब्जेक्ट्स ही और हिस ब्रदर्स अब हिस ब्रदर्स तो सेकंड हो गया पहला क्या है ही हम वर्ब यूज करेंगे ही के अकॉर्डिंग इज और ये बिल्कुल सही है ये बिल्कुल सही है ठीक है वेरी yes, गुड बहुत अच्छे ठीक है सो ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज गोइंग वेरी गुड क्लियर है सो एज वेल एज का मतलब होता है बच्चों साथ ही साथ सिर्फ एज वेल का मतलब होता है भी सिर्फ एज वेल का मतलब होता है भी अब आपको क्या रीजन समझ आया कि हम वाक्य के अंत में एज वेल एज क्यों नहीं लिख सकते हैं जब आप साथ साथ बोल रहे हो जोड़ रहे हो तो एज वेल एज के बाद कुछ तो होना चाहिए ना आप एज वेल एज के बाद में खाली तो नहीं छोड़ सकते हो है ना ओके ठीक है भाई ये हमें समझ आ गया है ये बिल्कुल समझ आ गया है अच्छे से क्लियर हो गया है मैम ठीक है चलो एज सुन एज का मतलब क्या है जैसे ही एज सुन एज का मतलब क्या है जैसे ही एज फार एज का मतलब क्या है जहां तक as far as का मतलब क्या है जहां तक ये आपको बता दिया था दो वाक्य यहां पे है आप लोगों के और अच्छे और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए as far as my parents are concerned concerned का मतलब होता है जहां तक मेरे माता-पिता का सवाल है या जहां तक मेरे माता-पिता संबंधित है या जहां तक मेरे माता-पिता की बात है i am good enough to take care of them मैं उनका मतलब मैं इतना अच्छा हूं गुड इनफ मतलब इतना अच्छा हूं पर्याप्त अच्छा हूं कि मैं उनका ख्याल रख सकता हूं जहां तक मेरे माता पिता का सवाल है आई एम गुड इनाफ टू टेक केयर ऑफ देम आई एम गुड enough टू टेक केयर ऑफ देम एज फार एज आई नो जहां तक मुझे पता है उसके दो बच्चे हैं ही two चिल्ड्रन जहां तक मुझे पता है ठीक है एज फार एज आई नो ही हैजू चिल्ड्रन ये दोनों शब्दों का मीनिंग क्लियर हो गया एक्चुअली ये शब्द नहीं है शब्दों का समूह है ठीक है अच्छा अब आज के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट आज के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट उसके बाद में आ रहे हैं आपके क्वेश्चन बच्चों ठीक है अब देखो ऑल दो दो ये भी फेवरेट है एग्जामिन का बिल्कुल फेवरेट है यह एग्जामिन का ऑल दो दो इवन एफ इवन दो although, though, even if, even if or even though. इनका मतलब क्या है यद्यपि हालांकि भले ही और ये हम किसको जोड़ने के लिए यूज करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्ट्रास्ट वाले मतलब विपरीत आइडिया वाले ठीक है विपरीत आइडिया वाली बातों को जैसे बट यूज किया था हमने याद है तो विपरीत वाक्य या विचार वाली बातों को जोड़ने के लिए हम ऑल्दो यूज करते हैं ठीक है ऑल्दो आई एम पुअर हालांकि मैं गरीब हूं ऑल्दो आई एम पुअर येट आई विल ट्राई टू हेल्प यू विथ मनी फिर भी तुम्हें कुछ पैसों की तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा ठीक है ऑल्दो आई एम पुअर हालांकि यद्यपि भले ही मैं गरीब हूं फिर भी मैं कुछ पैसों से आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा बच्चों याद रखना ऑल्दो के साथ में येट का मीनिंग क्या है देखो देन ऑल्सो इवन देन इवन इफ का मतलब है भले ही इवन देन का मतलब है फिर भी इवन देन का मतलब है फिर भी ध्यान से सुनेंगे पहली बार में हो सकता है अगर कंप्लीट फोकस नहीं है एक बार में सारी बात नहीं समझ आएगी दोबारा से सुनना ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना क्वेश्चन इससे पक्का आता ही आता है अभी देख लेना तुम प्रीवियसियस क्वेश्चंस में भी ठीक है इवन इफ का मतलब होता है इवन इफ का मतलब होता है भले ही और इवन देन का मतलब है फिर भी ओल्डो के साथ में आपको येट यूज करना है एरर आता है औलदो के साथ में बट लगा के बट यूज नहीं करना है ठीक है एरर आता है औलदो के साथ में या दो के साथ में बट लगा के ठीक है ऑलदो के साथ में येट यूज करना है हालांकि ये थोड़ा सा सुपर फ्लूस हो जाता है लेकिन एग्जाम्स में इसे सही माना जाता है तो आप इसको सही ही मान के चलिए ऑल दो दिखा तो उसके साथ में येट होना चाहिए बट नहीं ठीक बच्चो? है बच्चों क्लियर है एवरी चलो अब शुरू हो गए तुम्हारे क्वेश्चन अब शुरू हो जाते हैं तुम्हारे क्वेश्चन ये क्वेश्चन है आपके मैं बताती हूं एस सी सी जी एल में दो हजार उन्नीस के ये क्वेश्चन है आपके एस सी सीजीएल 2019 मतलब सीजीएल टीयर टू का क्वेश्चन आप देख लो ठीक है अब देखो आई कुडेंट सो नहीं पाया ठीक है अब आ, देखो यहां इन केस लिखा है केस ऑफ बीइंग ठीक है केस का मतलब होता है इन द कंडीशन इस शर्त पर ठीक है इस शर्त पर मैं सो नहीं पाया इस शर्त पर क्योंकि बहुत थका था इन केस ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड अरे भाई थका मांदा इंसान तो सो जाता है ठीक है वो तो भूखा भी होता है तो भी सो जाता है तो इसका मतलब ये सही सही नहीं नहीं है, सही नहीं है? है, ठीक राइट अब मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा आई कोडेंट स्लीप इवन दो नो सब्स्टिट्यूशन कोई सब्सिट्यूशन नहीं चाहिए इवन दो इवन दो मतलब आप हालांकि आप थके हुए थे फिर भी सो नहीं पाए इन स्पाइट ऑफ इन स्पाइट ऑफ इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद और इन ऑर्डर ऑफ इन ऑर्डर ऑफ का मतलब होता है के क्रम में इन ऑर्डर ऑफ का मतलब होता है के क्रम में आंसर बताओ यस वेरी गुड वेरी गुड द आंसर इज ऑप्शन बी इवन दो इन स्पाइट ऑफ इन स्पाइट ऑफ आपका आंसर आ सकता था अगर वर्ब होता तो ठीक है अगर वर्ब होता तो इन स्पाइट ऑफ की बात में सीधा सीधा नाउन प्रोनाउन आना चाहिए ठीक है अब यहां पे तो वेरी टायर्ड ये तो एडजेक्टिव हो गया इसीलिए इन स्पाइट ऑफ आंसर नहीं है ठीक है स्पाइट ऑफ आंसर नहीं है आंसर क्या है इवन दो शाबाश बच्चों ये कौन सा क्वेश्चन है देख लो ये आपका एस सी सीजीएल दो हजार उन्नीस का क्वेश्चन है ठीक है चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पेपर में से मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हैं आप देख लो एक ही क्वेश्चन पेपर में कंजंक्शन के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है इसके बाद हम करेंगे सीडीएस के क्वेश्चन फिर एनडीए के क्वेश्चन ठीक है चलो आई शाल बाय दिस बुक इफ यू लाइक इट और नॉट इफ यू लाइक इट और नॉट ठीक है मैंने इस एग्जाम के सारे क्वेश्चन उठा लिए इनमें से कुछ कंजंक्शन हमने नहीं किए हैं जो अगले वाले क्लास में हम करेंगे ठीक है लेकिन क्वेश्चंस मैंने सारे उठा लिए हैं ठीक है थीके? चलो आई शाल बाय दिस बुक मैं ये बुक खरीदूंगा इफ यू लाइक इट और नॉट चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए मैं तो ये बुक खरीदूंगा ठीक है सो आई शाल बाय दिस बुक बताओ एरर किस पार्ट में है दिस बुक में एरर है और नॉट में एरर है आई शाल बाय में एरर है या इफ यू लाइक इट में एरर है येस वेरी गुड द एर इज इन इफ यू लाइक इट रिमेंबर जब आप ऑप्शन भी दे रहे हैं तुम्हें पसंद आए या ना आए जब आप ऑप्शन भी दे रहे हो तो इफ के बदले आपको जो शब्द यूज करना है बच्चों वो है वेदर फ के बदले जो शब्द यूज करना है वो है वेदर और ध्यान रखना जब इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो उसी में कई बार ये वाला वेदर भी दे देते हैं ठीक है इस वेदर का तो मतलब है भाई सुहाना मौसम मौसम ठीक है सो ये दोनों एक जैसे प्रोनाउंस होते हैं ध्यान रहे ये वाला वेदर इस वेदर का मतलब है इफ इफ ही मीनिंग निकलता है ठीक है लेकिन वेदर के साथ में पैर बनेगा और का वेदर के साथ में बच्चों पैर बनेगा और का आई शाल बाय दिस बुक वेदर यू लाइक इट और नॉट ओके ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डैश ही टू लिव विथ हिम ठीक है देखो आ गया तुम्हारा एज सुन एज एज लॉन्ग एज ये ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे ऑप्शन में आएंगे ये ठीक है सो डैश ही बिकेम अ मिनिस्टर मिनिस्टर बना उसने अपने सारे रिश्तेदारों को अपने पास से भगा दिया ठीक है ही अलाउ एनी टू लिव हिम किसी भी रिश्तेदार को अपने साथ नहीं रखा मिनिस्टर बनते ही बताओ आंसर क्या आएगा एज लॉन्ग एज मतलब जब तक के वो मिनिस्टर बना एज लॉन्ग एज केस यानी इस शर्त पर केस अगर ऐसा हुआ तो एज सुन एज मतलब जैसे ही और इन ऑर्डर दैट का मतलब होता है ताकि इन ऑर्डर दैट का मतलब होता है ताकि यस वेरी गुड कंजंक्शन का बच्चों मीनिंग क्लियर होगा तो आप वाक्य में वाक्य का भाव समझकर सही कंजंक्शन यूज कर सकते हैं यस आंसर इज सून जैसे ही वो मिनिस्टर बना जैसे ही एज सुन एज ही बिकेम अ मिनिस्टर ही डिडेंट अलाउ एनी ऑफ इस रिलेटिव टू लिव विथ हिम जैसे ही वो मिनिस्टर बना उसने अपने किसी भी रिश्तेदार को अपने पास रहने की अनुमति नहीं दी अगला सेंटेंस आप लोगों के सामने ये मैंने कराया नहीं है अगली वाली क्लास में मैं करवाऊंगी हालांकि ये बहुत सिंपल है ठीक है बहुत ज्यादा सिंपल है हार्डली हैड वी आउट ऑफ द बिल्डिंग गेट ड्रेंचड चलो इंप्रूव करो ये जो पार्ट अंडरलाइंड है ठीक है ये भी क्वेश्चन कहां का है भाई एसएससी सीजीएल टीयर टू मेन्स का क्वेश्चन है दो हजार उन्नीस का ठीक है चलो हार्डली हैड वी स्टेप्ट आउट ऑफ अब मैं क्यों बोलती हूं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट में बोलती हूं ना कि ये एस में भी इंपॉर्टेंट है सीडीएस में भी इंपॉर्टेंट है एनडीए में भी इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स में भी इंपॉर्टेंट है नेवी में भी इंपॉर्टेंट है सभी क्यों देखो एयरफोर्स वाले जो बच्चे होंगे नेवी वाले बच्चे होंगे आपको पता है ना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है यस yes? एनडीए वाले बच्चे हैं उनको भी पता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है राइट right? so ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है देखो सीजीएल का ये मेन्स का क्वेश्चन है ठीक है Yes, very good. Answer कौन सा है हार्डली के साथ बनता है है, का. ठीक एक चीज अगर आपको याद रहेगी के साथ में में बनता है है. का. मतलब तो तो नहीं होगा. और वेन तो एक ही शाबाश, बहुत अच्छे इन बनारस अच्छा बनारस से कोई बच्चे हैं क्या हमारे पास अभी हमारे पास जितने भी बच्चे अभी लाइव हैं, या बाद में भी अगर कोई बच्चा देखेगा तो कमेंट जरूर कर देना अगर आप बनारस के हैं अगर कोई बनारसी बाबू देखेगा बाबू या बेबी अगर कोई बनारसी देखेंगे तो एक बार कमेंट जरूर कर देना अभी कोई है क्या हमारे पास बनारस वाला बच्चा बच्चा या बच्ची बाबू या बेबी कोई है यस yes, नेहा बिल्कुल एब्सोल्यूटली ओके चलिए यस मैम प्रियांशु मौर्या प्रियांशु मौर्या है भाई शुभम भी है ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैं हूं सचिन सचिन शर्मा तुम सच में बनारस से हो या ऐसे ही मुकेश झाजरा भी बनारस से हैं चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार काफी सारे बच्चे हैं अयोध्या से भी बच्चे जुड़े हुए हैं बहुत बढ़िया अयोध्या नगरी से भी राम राम जी की नगरी से भी है भाई लोग यहाँ पे चलो आ जाओ बच्चों सो so, देखो द घाट्स इन बनारस वर वेरी क्राउडेड बट वी वर एबल टू वॉच द गंगा आरती ठीक है बनारस के घाट बहुत ज्यादा क्राउडेड थे बहुत भीड़ थी वहां पे। बट वी वर एबल टू वॉच द गंगा आरती लेकिन हम लोग देख पाए गंगा आरती ठीक है हम देख पाए गंगा आरती सही से चलो मुझे बताओ यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है बच्चों क्या यहाँ पे किसी भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है देहरादून से है बच्चे आजमगढ़ से है जयपुर से है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बताओ बताओ बेटा या आंसर बताना ओके okay, चलो आंसर देखो ये इसमें हमें नो सब्स्टिट्यूशन चाहिए ठीक है हम कहना चाहते हैं भीड़ है अब भीड़ होगा तो क्या होगा भीड़ होगा तो इसका सीधा सीधा परिणाम ये होगा कि आपको कोई चीज ढंग से देखने नहीं मिलेगी लेकिन भीड़ होने के बावजूद आपने अच्छे से कोई चीज देख ली मतलब ये तो विपरीत हो गया ये तो उल्टा हो गया हम बोलते हैं ना अरे ये तो चमत्कार हो गया है ना सो so, यहां पर बट बिल्कुल सही है ठीक है सो so, यहां पर बट बिल्कुल सही है इसलिए तो नहीं आएगा सो सोवीव तो आएगा ही नहीं क्यों नहीं आएगा क्योंकि भीड़ था इसलिए आप कोई चीज साफ साफ नहीं देख सकते हैं भीड़ था इसलिए कोई चीज साफ साफ नहीं दिखेगी परिणाम भीड़ का ये नहीं निकलेगा ठीक है भीड़ होगा तो उसका परिणाम तो ये होगा कि कोई चीज ढंग से नहीं दिखेगी लेकिन यहाँ तो दिख गई गंगा आरती जो दशाश्वमेध घाट पर होता है बनारस के घाट पर बहुत शानदार आरती होता है ना वो हम देख सके अच्छे से यानी कि ये तो विपरीत हो गया है ना सो so, पर बट वीवर बट यूज करना है अब यहाँ पे आर क्यों गलत है बेटा क्योंकि हम तो पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं आएगा और यहाँ पे बट है लेकिन क्यों गलत है वी तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ठीक है चलो नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखेंगे ही कुडेंट बिलीव इट एट फर्स्ट मतलब पहले तो उसको विश्वास नहीं हुआ मैंने क्या बोला पहले तो पहले तो उसको विश्वास नहीं हुआ इसका मतलब इतना ही अगर आपको किसी ने बोल दिया तो समझ लो मतलब बाद में उसने विश्वास कर लिया है है ना पहले तो उसको विश्वास नहीं हुआ ही कूडेंट बिलीव इट एट फर्स्ट सो इसलिए द मोस्ट ही थॉट अबाउट इट जितना उसने सोचा उतना उसने डिसाइड कर लिया मान लिया कि वो सही होगा बताओ बच्चों यहां पर जो किस पार्ट में एरर है चलो किस पार्ट में एरर है अंडरलाइन ये वाला नहीं है अंडरलाइन ये वाला पार्ट है ठीक है अंडरलाइन ये पार्ट है ही कुडेंट बिलीव इट एट फर्स्ट पहले तो वो विश्वास नहीं किया ठीक है पहले तो विश्वास नहीं हुआ लेकिन मतलब हमें इसको कहां से शुरू करना है बट से पहले तो विश्वास नहीं हुआ लेकिन द मोर ही थॉट अबाउट इट जितना ज्यादा उसने सोचा उतना उसको लगने लगा कि वो सही है कई बार होता है ना कई बार होता है ऐसा कि हम जो चीज सोच लेते हैं इतना ज्यादा या देख लेते हैं या सुन लेते हैं तो वो सही लगने लगता है या कोई चीज इतनी बार देख लिया है ना तो हमें वो सही लगने लगता है तो वो यही बोल रहा है ही कुडेंट बिलीव इट एट फर्स्ट पहले तो उसको विश्वास नहीं हुआ बट द मोर यहां पे पहली बात तो कंजंक्शन कौन सा यूज करना है बट ठीक है द मोस्ट नहीं हम सिर्फ बोल रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं जितना ज्यादा वो सोचता गया है ना जितना ज्यादा वो सोचता गया तो बच्चों आंसर है ऑप्शन बी शाबाश बट द मोर ही थॉट अबाउट इट द मोर ही डिसाइडेड इट मस्ट बी ट्रू जितना ज्यादा उसने सोचा उतना ज्यादा उसको वो सही लगने लगा क्लियर एवरी वन चलो ठीक है अगला सेंटेंस ये भी फेवरेट है एग्जामिनर्स का यह भी फेवरेट है सभी एग्जाम्स के लिए आप किसी भी एग्जाम का नाम ले लो एयरफोर्स नेवी एनडीए किसी भी एग्जाम का नाम ले लो ये बिल्कुल फेवरेट है ठीक है आप सीजीएल की बात कर लो ठीक है सीडीएस की बात कर लो ये एक क्वेश्चन एनडीए की बात कर लो ये आना ही आना है फेवरेट है ठीक है नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लास जैसे ही काव्या ने अपना ऑनलाइन क्लास शुरू किया था दैट द वेब कनेक्शन वॉज लॉस्ट होता है ना मैम ने क्लास स्टार्ट कर दिया और फिर बाद में एक गोल घूमने लगेगा फिर आप बोलोगे मैम ब्लफ नहीं बफ मैम बफ मैम चिल्लाने लगते हो ना बफरिंग होना शुरू हो जाता है तो काव्या के साथ में भी ऐसा ही हुआ है काव्या के साथ में भी ऐसा ही हुआ है नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लास एरर किस पार्ट में है शाबाश नो सूनर के साथ में तो मैम पेर बनता है नो सूनर के साथ पैर बनता है टी एच एन दैन का मतलब एरर ये दैट वाले पार्ट में है दैट कहां पे है बी में तो एरर कहां पे है बी पार्ट में ठीक है एरर कहां पे है बी पार्ट में है ठीक है ओके अरे भाई मोहित कुमार हाउ मेनी अल्फाबेट आर देर इन इंग्लिश बेटा ये तो तुम्हें एल के जी यू के जी भी पता चल जाएगा आप वहां पे सीख लेते ठीक है या आप देख लो कोई एल के जी यूकेजी की कोई क्लास चल रही हो वहां पे आप सीख लो ठीक है चलो द नेक्स्ट वन द सॉन्ग वॉज सो मूविंग ठीक है बेटा यहाँ पे मूविंग का मतलब धक्का देने वाला या हिलने वाला नहीं है ठीक है मतलब दिल दहला देने वाला है यहाँ पे मूविंग का मतलब होता है दिल दहला देने वाला ठीक है या मन को झकझोर देने वाला जो गाना है द सॉन्ग वॉज सो मूविंग गाना इतना ज्यादा मन को दहला देने वाला या मन को व्यथित कर देने वाला है ना आगे आंसर है एज ऑल आईज बिकेम वेट मतलब सबकी आंखें भीग गई वो गाना सुन के सबकी आंखें भीग गई ठीक है चलो बताओ चलो हाँ सही बात है प्रत्युष कुमार देखो कितना लॉजिकल बात कर रहा है बहुत अच्छा एकदम सही लॉजिकल बात कर रहा है वो बोल रहा है कि आप कीबोर्ड में गिन लो है ना जहां से तुमने टाइप किया है मतलब ये एकदम खतरनाक बच्चा हमारा ये बोल रहा है कि जहां से भाई तूने टाइप किया वहीं पे गिन ले है ना उसके लिए ऑनलाइन क्लास अटेंड करके फिर उसके बाद में इतनी मेहनत करके टाइप किया राइट अपना डेटा इतना खर्च कर रहे हो कोई मतलब ही नहीं है येस वेरी गुड सो के साथ में हम दैट कहते हैं ठीक है इतना कि बच्चों जब मीनिंग आता है कि जो गाना था वो इतना ज्यादा दिल दहला देने वाला या मन को झकझोरने वाला गाना था कि सभी के आंखें भीग गई सभी के आंखों में पानी आ गया तो सो के साथ में हम क्या कहेंगे दैट शाबाश बहुत अच्छे देखो आ रही बात समझ कैसे क्वेश्चन आते हैं मतलब आपको कंजंक्शन का मतलब समझना है वाक्य का भाव समझना है कंजंक्शन समझना है और वाक्य का भाव समझना है ठीक है अब आप बोलेंगे कि मैम इतना बेसिक क्वेश्चन आता है हाँ बेटा देखो मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि ये जो मैं करवा रही हूँ ये एस एस सी सी जी एल मेन्स का मेन्स का और वो भी 2019 की उन्नीस मेन्स का जो 2019 में नहीं 2020 में एग्जाम हुआ था ठीक है एग्जाम 2020 में हुआ था लॉकडाउन के बाद सो द सॉन्ग वॉज सो मूविंग दैट ऑल आईज बिकेम वेट ओके ठीक है चलो अगला क्वेश्चन रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ मेरठ जाने का कारण वॉज बिकॉज माई मदर नीडेड मेरी मम्मी को जरूरत थी कि उनका ख्याल रखा जाए हो सकता है मम्मी की तबियत खराब थी है ना या हो सकता है कि मम्मा अकेले थी सो so, मेरठ जाने का कारण वॉज बिकॉज था क्योंकि माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर चलिए बताइए किस पार्ट में एरर है किस पार्ट में एरर है ये बातें ये अभी आप नोट कर सकते हैं हालांकि इसका कॉन्सेप्ट में फिर से आप लोगों को अगले कंजंक्शन वाले क्लास में बताऊंगी अगले कंजंक्शन वाले क्लास में आपको बताऊंगी ये बात ठीक है बच्चों चलो यस yes, बच्चों याद रखना द रीजन का पैर बनता है जोड़ा जो बनता है देखो द रीजन बोल के भी आप कारण बता रहे हो है ना द रीजन बोला तब भी कारण बताया बिकॉज बोल के भी हम कारण बताते हैं कारण बताने के लिए दो कंजंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है ठीक है आप यहां पे क्या लिखेंगे वॉज दैट अब आप क्या लिख देंगे वॉज दैट द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वॉज दैट माई मदर नीडेड टू बी लुकड आफ्टर द रीजन के साथ याद रखना कभी भी बिकॉज नहीं लिखना द रीजन के साथ में कभी भी बिकॉज नहीं लिखेंगे क्लियर एवरी वन ठीक है सो so किस पार्ट में एरर है भाई वॉज बिकॉज ये रहा डी पार्ट में एरर है मैम ठीक है पहले तो सेंटेंस को समझ लो फिर ऑप्शन देख के एक बार में आंसर मार्क कर देना चलो शी मैरिड हेम अब ये क्वेश्चन बच्चों शुरू हो गए हैं आपके सीडीएस वन सीडीएस वन ट्वेंटी ट्वेंटी का एक मिनट में आपको बता देती हूं सी डी एस वन ट्वेंटी ट्वेंटी के क्वेश्चन है ये है ना ईयर आपको बता देती हूँ ट्वेंटी ट्वेंटी या ट्वेंटी ट्वेंटी वन हाँ ट्वेंटी ट्वेंटी वन सीरियस वन ट्वेंटी ट्वेंटी वन के क्वेश्चन है ये ठीक है बच्चों आ जाओ शी मैरिड हिम उसने उससे शादी किया सिंस हिज गुड नेचर बिकॉज हिज गुड नेचर बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर ये बहुत ही प्यारा सा बहुत प्यारा सा मतलब एक्चुअली ना यूपीएससी का जो क्वेश्चन बनाने का तरीका है ना मैं सच में यूपीएससी के क्वेश्चन बनाने के तरीके की तो फैन हूं ये मतलब अगर आपका थोड़ा सा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा ना तो तुरंत आपका क्लीन बोल्ड होगा यहाँ पे ठीक है सो बिकॉज ऑफ हिस नेचर इन स्पाइट ऑफ हिस नेचर चलो बताओ She married him. Answer बताओ She married him. A. Since his good nature. ओके okay, बहुत अच्छे अच्छा कुछ हमारे तीस मार खान बच्चे हैं <laughs> जो बिल्कुल क्लियर है ये कई बार मैं तो अपने क्लासेस में कई बार बता चुकी हूँ है ना ऑप्शन ए जो नया बच्चा है या जिसको ये कॉन्सेप्ट जहां से भी उसने इंग्लिश सीखा होगा उसको नहीं बताया गया होगा तो वो क्लीन बोल्ड होगा हमारे वाले मतलब जो बच्चे हमसे एक बार पढ़ चुके हैं वो तो एकदम खतरनाक आंसर दे ही रहे हैं ठीक है चलो बहुत अच्छे बच्चों याद रखना सिंस और बिकॉज के बाद सिंस और बिकॉज के बाद में सब्जेक्ट भी आएगा और वर्ब भी आएगा ठीक है सब्जेक्ट भी आएगा और वर्ब भी आएगा अब देखो यहाँ पे तो खाली अच्छा स्वभाव है ठीक है वर्ब नहीं है ना तो ये स्ट्रक्चर ही गलत है स्ट्रक्चर ही गलत है ठीक है सिंस के बाद में सब्जेक्ट भी आएगा मतलब एक्शन करने वाला भी आएगा और वर्ब भी आएगा ठीक है उसने क्या एक्शन किया वो भी आएगा बिकॉज के साथ में भी ऐसा ही होगा ठीक है लेकिन बिकॉज बिकॉज ऑफ ऑफ का मतलब अगर आपने बोल दिया इसके बाद में सिर्फ नाउन आ सकता है नाउन या प्रोनाउन आएगा मतलब आ सकता है नहीं आएगा ही बिकॉज ऑफ के बाद में सिर्फ नाउन प्रोनाउन या जेरेंड आएगा ठीक है और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है बिकॉज ऑफ हिज नेचर उसके स्वभाव के वजह से उसने उससे शादी किया शी मैरिड हिम बिकॉज ऑफ हिज नेचर ठीक है बिकॉज ऑफ हिज नेचर आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन सी ए और बी गलत क्यों है क्योंकि बिकॉज और सिंस के बाद में एक्शन को करने वाला भी चाहिए मतलब सब्जेक्ट भी चाहिए और वर्ब भी चाहिए आप देखिए ए और बी में वर्ब नहीं है ठीक है क्लियर एवरी वन चलो बहुत बढ़िया आ जाओ अगला सेंटेंस देखते हैं यह भी आप लोगों का सीडीएस का क्वेश्चन है सीडीएस फर्स्ट सेशन 2021 आई कुड नॉट स्लीप आई कुड नॉट स्लीप मैं सो नहीं सका अभी अभी आपको बता दिया था मैंने ठीक है बिकॉज बींग वेरी टायर्ड डिस्पाइट बींग वेरी टायर्ड इन स्पाइट ऑफ बींग स्लीपलेस स्लीपलेस मतलब सोया ही नहीं था या सिंस बींग वेरी टायर्ड सिंस बींग वेरी टायर्ड चलो ये बताओ आई कुड नॉट स्लीप ओके चलो यहां पे काफी बच्चे क्लीन बोल्ड हो रहे हैं सीडीएस का क्वेश्चन है बच्चों सीडीएस का ओके okay, चलो बहुत बढ़िया सो so, एरर देखो बिकॉज बिकॉज की बात मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए यहां पे तो सिर्फ वर्ब आ गया तो ये आपका आंसर नहीं होगा आपका आंसर नहीं होगा ठीक है डिस्पाइट बींग वेरी टायर्ड यह आपका आंसर हो सकता है स्पाइट ऑफ बींग यहां तक तो सही है लेकिन इन बींग मतलब सोया नहीं था ठीक है यह आपका आंसर नहीं है सोया नहीं था और सो नहीं पा रहा है है ना हम ये बोल रहे हैं कि थका हुआ था फिर भी सो नहीं पा रहा है ठीक है सिंस बींग वेरी टायर्ड सिंस की बाद में फिर से यहां पे देखो इसके पहले सब्जेक्ट था वर्ब नहीं था अब आपके पास वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है तो डी भी आंसर नहीं होगा तो आपका आंसर है ऑप्शन बी आपका आंसर है बच्चों ऑप्शन so, के बावजूद मैं सो नहीं पा रहा था इन डिस्पाइट बींग वेरी टायर्ड ओके चलो द द कंपनीज बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड बिड यानी कि दावा कोशिश कंपनी ने कोशिश की कॉन्ट्रैक्ट पाने की और वो कोशिश जो है वो रिजेक्ट हो गई है ठीक है कंपनी कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड रिजेक्ट हो गया है मना हो गया है है ना अब बताओ सेंटेंसेस आपके पास है एक बार पढ़ेंगे ध्यान से इसको पढ़ लेंगे कंडीशन अब देखो सिंस है उसके बाद में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है स्ट्रक्चर सही है स्ट्रक्चर सही है फिल्ड ऑल द कंडीशंस उसने सारे कंडीशंस फुलफिल किए क्योंकि अगर बावजूद वाला वर्ड होता तब तो ये सही हो सकता था द कंपनीज बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड क्योंकि उसने सब कंडीशन फिल किया नहीं ये तो बात नहीं बनी फॉर द कंपनी फुलफिल्ड द कंडीशंस क्योंकि यहां पे भी क्योंकि वाला मीनिंग आ गया नहीं यहां पे भी बात नहीं बनी ठीक है फॉर द कंपनी हैड नॉट बीन इन द गुडविल लिस्ट क्योंकि कंपनी गुडविल लिस्ट क्या होता है मतलब अच्छा जिसको हम मानते हैं उसको हम गुडविल लिस्ट में रखते हैं तो क्योंकि कंपनी गुडविल लिस्ट में नहीं थी ओके सिंस द डिपॉजिट इन द अकाउंट इज फाउंड लेस देन रिक्वायर्ड सिंस द डिपॉजिट इन द अकाउंट फाउंड लेस दे रिक्वायर्ड अब आपका आंसर देखो क्या है द कंपनी बेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड अब यहां पर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और इसीलिए आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी सिंस द डिपॉजिट इन द अकाउंट इज फाउंड लेस दैन रिक्वायर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन अनलेस यू फुलफिल रुको मोहित ना बहुत मेहनत कर रहा है मोहित को थोड़ी सी छुट्टी दे देते हैं ठीक है मोहित को थोड़ी सी छुट्टी दे देते हैं ताकि आराम से ये अल्फाबेट्स काउंटिंग कर लें है ना इमेजिन कितने बेवकूफ और कितने खाली लोग होते हैं कि टीचर का क्लास पूरे दो घंटे एक घंटे अटेंड करेंगे सिर्फ इतना टीचर को बताने के लिए कि आपको कुछ नहीं आता कितना खाली है बंदा कितना खाली है भाई इतना एक्सेस टाइम तुम्हारे पास थोड़ा समय मुझे दे दो मेरे पास तो समय की बहुत ज्यादा कमी है, है ना चलो अनलेस यू फुलफिल देंशियल क्वालिफिकेशन यू फुलफिल मतलब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा वाला है अगर मुझे कुछ नहीं आता तो बेटा तुम तो मेरी क्लास अटेंड क्यों कर रहे हो है जब मुझे कुछ नहीं आता मेरी क्लास अटेंड क्यों कर रहे हो वो भी अपना एक घंटा अपना डेटा सारा खराब करके हद चलो अनलेस यू फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन अनलेस यू फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन अनलेस का मतलब क्या है बच्चों ठीक है? अनलेस का मतलब क्या है आप जब कंडीशन लगाते हैं जब तक नहीं ठीक है अगर आपने अगर आपने अनलेस यू फुलफिल एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसका मतलब यह होता है कि अगर आपने जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल यानी कि वो आपने पूरा नहीं किया ठीक है अगर आपने उसे पूरा नहीं किया आगे बताओ यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू अगर आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन से पूरा नहीं किया तो तुम्हें बुलाया जाएगा मतलब जॉब है ग्रेजुएट्स के लिए तुम हो ट्वेल्थ पास तो क्या तुम्हें बुलाया जाएगा यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू नहीं यू शाल बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट तुम्हें पोस्ट के लिए ही सिलेक्ट कर लिया जाएगा नहीं यू विल नॉट बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू अगर तुमने एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं किया अनलेस नेगेटिव होता है इसमें नेगेटिव मीनिंग होता है अगर नहीं इफ नॉट वाला मीनिंग होता है यहां पे, इफ नॉट वाला मीनिंग होता है अनलेस यू फुलफिल एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर तुमने एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं किया तुम्हें नहीं बुलाया जाएगा है ना तो आंसर क्या आएगा यू विल नॉट बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू ठीक है क्लियर यस, द आंसर इज ऑप्शन सी चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल दो द ग्रुप हैज बीन अक्विटेड ग्रुप यानी कि कोई समूह है अक्विट यानी कि बाइजत बरी कर दिया ऑल दो का मतलब है हालांकि ऑल दो का मतलब है बच्चों हालांकि ऑल दो द ग्रुप हैज बीन अक्विटेड हालांकि समूह को बाइजत बरी कर दिया गया है ठीक है हालांकि बोला है मतलब आपको बरी करने के बाद कुछ विपरीत बताना है ठीक है बरी करने के बाद किसी को बाइजत बरी कर दिया है ठीक है अब इसका कुछ विपरीत ही आपको बताना है देखो विपरीत कौन से वाक्य में है एक बार पढ़ेंगे दे आर अंडर द वॉच ऑफ पुलिस मतलब पुलिस की निगरानी में रहेंगे दे आर फ्री टू डू एनीथिंग बाइजत बरी कर दिया और वो कुछ भी करने के लिए आजाद है देर इज नो सस्पेशन इन देम उन पर कोई शक नहीं है या दे हैव नॉट बीन अरेस्टेड उनको अरेस्ट नहीं किया गया है बताओ यस वेरी गुड शाबाश आंसर इज दे आर अंडर द वॉच ऑफ द पुलिस मतलब उनको बाइजत बरी तो कर दिया है लेकिन पुलिस उन पर नजर रखेगी हालांकि उनको बाइजत बरी कर दिया गया है ऑल दो द ग्रुप हैज बीन एक्विटेड दे आर अंडर द वॉच ऑफ द पुलिस शाबाश दी गुड बहुत अच्छे द आंसर इज ऑप्शन ए अच्छा बच्चों मुझे यह बताओ आज की कंजंक्शन की क्लास करके मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन भी सॉल्व करके और अभी कंजंक्शन तो मैंने बहुत बेसिक सा ही आपको सिखाया है थोड़े से और कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊंगी अगली क्लास में ठीक है ये बताओ कि क्लास करके मजा आ रहा है कि नहीं अभी तो बता दोगे अभी तो मैं थोड़ा पढ़ लूंगी लेकिन अपना यही सेम एक्सपीरियंस मुझे क्लास के बाद में भी शेयर करना ठीक है क्योंकि अभी जल्दबाजी में थोड़े से कमेंट्स में नहीं पढ़ पाती हूँ ठीक है तो क्लास के बाद अपने comment box में experience जरूर शेयर करना ठीक है चलो एक बार मेरा नाम ले लो अयोध्या उत्कर्ष सिंह नाम ले लिया अब दोबारा अगर तुम्हारा स्पैमिंग दिखा फिर तुम्हारा नाम दिखेगा ही नहीं यहाँ पे ठीक है अब नाम ले लिया अब शांत हो जाओ ना ऑल दो द ग्रुप हैज बीन एक्विटेड आंसर बेटा आ गया ऑप्शन ए आंसर आ गया ऑप्शन ए ठीक है चलो द नेक्स्ट वन अगला सेंटेंस एलम हैज नो अदर ऑप्शन ठीक है एलम हैज नो अदर ऑप्शन नो अदर ऑप्शन अनलेस ही विंस ठीक है अब ये एक्चुअली अगले वाले क्लास में मैं आपको बताऊंगी हालांकि अभी बताई दे रही हूं ठीक है कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करूंगी ठीक है नो अदर ठीक है नो अदर ऑप्शन नो अदर के साथ में अनलेस ही विंस ठीक है नो अदर ऑप्शन अनलेस ही विंस बट टू एक्सेप्ट द चैलेंज दो ही हैज वन चैलेंज या ही हैजू एक्सेप्ट द चैलेंज उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है अब यहां पर ठीक है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय वाला भाव आ रहा है कि नहीं उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय सिवाय वाला मीनिंग आया कि नहीं और सिवाय के लिए हमने क्या देखा था बट ये चैलेंज ये चुनौती स्वीकार करने के अलावा के सिवाय उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपका आंसर क्या आया वेरी गुड अगर आप मीनिंग देखेंगे अनलेस ही विंस मतलब इफ नॉट अगर वो नहीं जीतेगा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा नहीं ये बात नहीं बनी ठीक है एलम हैज नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द चैलेंज चुनौती को स्वीकार करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है नो अदर ऑप्शन का ही मतलब होता है कोई चारा नहीं है सिवाय एक ही ऑप्शन है है ना बट टू एक्सेप्ट द चैलेंज ठीक है बच्चों ठीक है अब तुम बताओ तुम्हारे लाइफ में क्या कोई और ऑप्शन है एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस हैं ठीक है ठीके? लेकिन अगर तुमने अपने लाइफ में मान लो फौज में जाने का सोच रखा है ठान रखा है है ना तो तुमने तो अपने लिए एक ही ऑप्शन रखा है एक ही ध्यान रखा है तो दूसरा ऑप्शन है ही नहीं अब दूसरा ऑप्शन नहीं है तो इस ऑप्शन में जी जान लगा दो जान लगा दो या फिर जाने दो है ना टाइम पास नहीं करो क्योंकि टाइम पास करके तो किसी को कुछ नहीं मिला है राइट चलो एलम हैज नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द चैलेंज तुम्हारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है एक ही ऑप्शन है कि तुम इस चुनौती को स्वीकार करो कि तुम तैयारी अच्छे से करोगे और सिलेक्शन लेके दिखाओगे ठीक है चलो देन द नेक्स्ट वन He has been living in the jungle. He has been living in the jungle for long. Kafi jungle me He has been living in the jungle for long. Matlap kafi lambe samai se and he knows all the animals here. यहां पर इस जंगल में रह रहा है और वो सभी जानवरों को अच्छे से जानता है ही नोज ऑल animals हियर ठीक है बताओ अब यहां पर देखो ये भी क्वेश्चन टाइप ऑफ कंजंक्शन आ गया है ठीक है ये भी सीडीएस का क्वेश्चन है बच्चों टाइप क्यों समझना और पहचानना जरूरी है टाइप कंजंक्शन का क्यों समझना और पहचानना जरूरी है यहां पे एंड को अंडरलाइन किया है और आप आप लोगों से पूछ लिया है ये कैसा कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है प्रेपोजिशन है या पर्सनल प्रोनाउन है तो प्रेपोजिशन तो नहीं है हमें पक्का पता है पर्सनल प्रोनाउन भी है नहीं है हमें पक्का पता है अब ये बता दो ये आज के क्लासेस क्लास uh, के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था वेरी गुड द आंसर इज वेरी गुड द आंसर इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है ये कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वेरी गुड बहुत अच्छी है ना अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में ही देख लिया था इसको ठीक है चलो नाउ ये आप लोगों का एनडीए 2021 का क्वेश्चन है आप देख सकते हैं हर एग्जाम में हर एग्जाम में 50 क्वेश्चंस होते हैं एनडीए में एक क्वेश्चन कंजंक्शन का आई रहा है कभी कभी दो तीन भी आ जाते हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है कवर कर लेंगे ठीक है एक क्लास और एक या दो क्लास और में लूंगी सारे कॉन्सेप्ट कंजंक्शन के क्लियर कर देंगे फिर बस रह जाएगी बात प्रैक्टिस की दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट बताओ किस पार्ट में एरर है लास्ट क्वेश्चन है ये और ये एनडीए ट्वेंटी का क्वेश्चन है दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट ये वेरी गुड बहुत अच्छे किस पार्ट में एरर है कि मैम दो के साथ में तो येट आएगा ना कि बट है ना दो के साथ में तो ये आएगा ना कि बट किस पार्ट में है ये बट ये बी पार्ट में तो ये रहा आपका एरर ये रहा आपका एरर ठीक बच्चो? so, है बच्चों? सो सेवन नाइनटी एट लाइक्स हो गए हैं सेवन नाइनटी नाइन हो गए हैं जाने से पहले राउंड फिगर कर दो भाई 800 लाइक्स कर दो वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर दें अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और इसके अलावा इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे ठीक है वहां पर आप लोगों को इन क्लासेस के पीडीएफ्स मिल जाएंगे बच्चों इन क्लासेस के पीडीएफ्स आप लोगों को मिल जाएंगे इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल और अगर आप लोग आ, बैच परचेस करना चाहते हैं कल से कल मेरी फर्स्ट क्लास है मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करने वाली हूं कल मेरी फर्स्ट क्लास है टॉप तक का ऐप डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा ठीक है टॉप तक का ऐप डाउनलोड कर लो लिंक पर क्लिक कर लो और बैच परचेस कर लो ठीक है अभी डिस्काउंट है बहुत ज्यादा डिस्काउंट है थोड़ा दिन अगर सोचने में इधर उधर लगा दोगे तो वही बैच आपको लेना पड़ेगा दो तो में ठीक है सो बैच आप परचेस कर सकते हैं फाइव में फोर नाइन्टी नाइन मीनस क्या ही होता है हंड्रेड आवर्स

That's all for now. Thank you so much for getting connected. Keep learning, keep growing. Namaste, Ram Ram, and Jai Hind, everyone.